बाइडेन के आने से क्या चीज़ें बदलेंगी और क्या चीज़ें नहीं बदलेगी, इंडिया के लिए क्या अच्छा होगा क्या खराब होगा, इसको समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो देश के लिए कानून बनाने के लिए है ना, वो संसद है। हमारे क्या है, पार्लियामेंट है, संसद है। इसके दो सदन होते हैं, यानी दो हाउस होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा बड़ा होता है 545, और राज्यसभा छोटा होता है 245। इसमें एक चीज़ क्या होता है कि आपको जो सरकार बनाना है वो 50% से एक सीट ज़्यादा रहनी चाहिए। ये 50% हम लोग केवल लोकसभा का देखते हैं, राज्यसभा को मायने नहीं रखा जाता है इसमें। राज्यसभा को कुछ खास नहीं रखा जाता, उस हिसाब से हमारी मेजोरिटी सीट आती है 273। लेकिन अमेरिका में इसके उलट है। अमेरिका के संसद को हम कांग्रेस कहते हैं। जिस तरह हमारी लोकसभा है तो ये बड़ी है, वैसे अमेरिका का ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये बड़ा है। इसमें 235 सीट होती है और 3 सीट वाशिंगटन डीसी से आती है, उसकी राजधानी, यानी 438 सीटें हो जाती है। और सीनेट होता है एक तो, जो राज्यसभा के जैसे होते हैं, हर राज्य से दो दो आते हैं। तो अमेरिका में 50 राज्य है तो दो आएंगे 100, तो टोटल 538 होते हैं। अब ये 538 का अगर आप निकालेंगे ना तो 273 होता है। तो हमारे यहाँ केवल लोकसभा का महत्व है बहुमत के लिए, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में टोटल सीट के लिए आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों चाहिए, और इसकी मेजोरिटी चाहिए आपको 270, जो बाइडेन पा चुके हैं। अब ये कंफर्म है कि बाइडेन ही यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो जनवरी में अपनी शपथ को ले लेंगे। अमेरिका में जो चुनाव का प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा होता है, वो एक साल से चलता है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति दो बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है। अमूमन देखा जाता है अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है दो दो बार बन जाता है, चाहे वो बराक ओबामा रहे हो चाहे वो क्लिंटन रहे हो। लेकिन इस बार ट्रंप के साथ ऐसा माना जा रहा था, नहीं हो पाए। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव का समय होता है वो केवल 4 साल के लिए होता है, तो वो 16 में चुनाव हुआ था, 20 साल में हो गया। अमेरिका के चुनाव को काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है जो एक साल से चलती आती है, इसको कभी भी टाला नहीं जा सकता है। आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में भी नहीं टाला गया, द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं टाला गया, कोरोना में भी नहीं टाला गया, जबकि कोरोना से सबसे पीड़ित अमेरिका है।